Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 4, Text number 18. Kripaya, in atyant hi pavitra shabdon ko, mere saath saath uchcharan karne ka prayas kijiye. Bhagavan kehte hain, karma hirya karma yah pashyet, akarma cha karma yah sabuddhi Timan manushyeshu sayukta krishna karma krit karmanya karma yah pashi akarmanya karma yah sabuddhiman manushyeshu sayukta krishna karma krit Karmanya karma yah paishyet, akarmanya karma yah sabuddhiman manushyeshu sayukta krishna karma krit. Karmanya karma yah paishyet, akarmanya karma yah sabuddhiman Timan manushyeshu sayukta krishna karma krit karmanya karma yah pashyet akarmanya karma yah sabuddhiman manushyeshu sayukta krishna karma krit. शब्दों का अर्थ कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कर्मणि अर्थात कार्य में या कर्म में, अकर्म यानी अकर्म, यह मणि जो पश्येत यानी देखता है, अकर्मणि सकर्म कर्म यह, अकर्मणि अर्थात अकर्म में, च यानी भी कर्म यानी सत्काम का यह जो सबुद्धिमान मनुष्येषु समनवः बुद्धिमान यानी बुद्धिमान मनुष्येषु अर्थात मानव समाज में सयुक्त कृष्ण कर्मकृत समनवो युक्त यानी दिव्य स्थिति को प्राप्त कृष्ण कर्मकृत सारे कर्मों में लगा रहकर भी. अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. अनुवाद, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है. उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल में उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती. फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है. यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है, कर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना. अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना. निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल से उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो. किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में तत्पर रखता है. क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख और आनंद प्राप्त होता है. जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित रहते हैं. कृष्ण के प्रति उसका नित्य
दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सह गणरघुनाथं ऋतं तं सशिवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु सरस्वति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकांशनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुतदेवि प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये अत्यंत ही गुप्त रीति से भगवान श्री कृष्ण आज हमें बता रहे हैं कि जो कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कर्मण्य अर्थात कर्म में अकर्म, जो कर्म में अकर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में कर्म को देखता है। तो ये समझना आसान नहीं है, समझाना आसान नहीं है, और अगर देखा जाए तो इसको उच्चारण करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, कर्मणि कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। इसको अगर इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, वन हु सेज इन एक्शन एन एक्शन इन इनएक्शन इज इंटेलिजेंट अमंग मेन। तो ये बोलने में भी अजीब लगता है और सुनने में भी लगता है कि कैसे हम कर्म में अकर्म को
और अकर्म में कर्म को देखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे देखना है, क्योंकि जो ऐसे देखता है कर्मण्य अकर्मण्यः अकर्मण्यः, जो कार्य में अकर्म को देखता है और कर्मणि च कर्मण्यः का अकर्मणि च कर्मण्यः यानी अकर्म में कर्म को देखता है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, और जो इसे देख सकता है वही बुद्धिमान है, संयुक्तः कृष्ण कर्मकृत, और वो बलि जितने ही कार्य करता रहे, सारे कर्मों में लगा रहता है, फिर भी वो दिव्य स्थिति को पहुंचता है, अर्थात वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो इसके दो पार्ट है, जिसमे भगवान पहले पार्ट में क्या बताते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्य, यानी वो जो कर्म में अकर्म को देखता है, और दूसरा क्या है, अकर्मण च कर्म, और अकर्म में कर्म को देखता। अब अकर्म के दो मतलब होते हैं, एक तो कर्महीनता, यानी आप कार्य को छोड़ दो, कोई भी कार्य ना करो, उसको भी अकर्म बोलते हैं, और दूसरा अकर्म क्या होता है, निष्काम कर्म, कि आप कार्य कर रहे हो परंतु आप बंधन में नहीं फंस रहे हो, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। यानी कि अगर हम कोई कार्य करते इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो फिर उसका बंधन लगता है, परंतु यदि हम कृष्ण की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो वो कार्य या सकाम कार्य नहीं होता, वो तो भक्ति हो जाती, और वो तो स्वभाव है हमारा कि कृष्ण की सेवा करें, तो उससे कभी भी भव बंधन नहीं लगता है। इससे पहले हम दूसरी वाली चीज को पढ़ेंगे, जैसे दो चीजें भगवान ने बताई है कि जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता, अकर्म में कर्म को, यानी कि आप कार्य नहीं कर रहे हो फिर भी आपको दिखे कि आप कार्य कर रहे हो। जैसे वो कैसे होते हैं, जैसे कोई ध्यान करते हैं और कार्य छोड़ देते हैं, कि भाई ध्यान में लगे हुए हैं और कार्य करना छोड़ देते हैं, इसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया 3.6 में भगवान ने बताया था, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थानि मोहात्मा मिथ्यासारः स उच्यते। कि कोई यदि कर्म इंद्रियों को संयम में करता है, वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करना होता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहते हैं। यानी कि कोई सन्यासी है, वो सन्यास धारण कर लेता है और ध्यान करने का ढोंग करता है, परंतु हृदय में वही विषय वासना चल रही होती है और उन्हीं विषय वासनाओं के विषय में सोचता रहता है, तो भगवान कहते हैं मिथ्याचार स उच्यते, तो वो मिथ्याचारी कहलाएगा। उसी तरह भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि देखो, बाह्य रूप से अगर कर्म ना करे, यानी कि बिल्कुल कर्म करना छोड़ दे, और वो सोच रहा है कि मैं अकर्म कर रहा हूँ, यानी अकर्म यानी कार्यहीन बन जाता है, अकर्ता रहता है, कार्य नहीं करता, फिर भी वो कर्म बंधन में फंसेगा, क्योंकि वो एक अपराध कर रहा है, दुनिया को ठगा रहा है, मिथ्याचारी बन रहा है, सन्यासी का वेश धारण किया है, परंतु अपराध हृदय से कर रहा है, तो फिर वो कर्म बंधन में फंसेगा। इसे अर्जुन, आप अगर कार्य करना छोड़ दोगे, अकर्म करोगे, मतलब युद्ध नहीं करोगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, तो डेफिनेटली तुम्हारा हृदय में वही चल रहा होगा युद्ध के विषय में, तो तुम मिथ्याचारी कहलाओगे, क्योंकि कार्य करना छोड़ दोगे लेकिन फिर भी अकर्म में कर्म होता रहेगा, क्योंकि उसी के विषय में चिंतन होता रहेगा। तो अकर्म में कर्म के लिए भगवान ने ऐसे बताया पहले, और कर्म में अकर्म को कैसे बताया भगवान ने, कि जैसे भगवान ने बताया श्लोक नंबर 15 में,
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म। कि इस प्रकार से जानकर, यानी मेरे अस्तित्व को जानकर, मुझे जो दिव्य समझते हैं और मेरी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं, पूर्वैरपि मुमुक्षुभि, जितने भी मुक्त हो गए हैं कर्म बंधन से, उन्होंने कार्य किया है परंतु दिव्यता में स्थित होकर, कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य किया है। और भगवान ने आदेश दिया है अर्जुन को, कुरु कर्म व तस्मात् त्वम्, तुम्हें भी कार्य करना चाहिए उसी प्रकार जिस प्रकार जिन्हें मैंने पहले ज्ञान दिया उन्होंने कार्य किया। जैसे यानी कि जनक महाराज ने, विवस्वान ने कार्य तो किया है, फिर भी वो कभी कर्म बंधन में नहीं करते, यानी कर्म में अकर्म, यानी वो निष्काम कर्म के स्तर पर पहुंच गए, उनको कभी भी कर्म बंधन नहीं करता। जैसे अब यहाँ पर दो चीजें बताई गई ना, अकर्म यानी कर्महीनता, ठीक है। सन्यासी के लिए अपराध है कि वो किसी भी विषय वस्तु के लिए सोचे तो भले ही कोई बाह्य रूप से अपनी इंद्रियों को रोक देता है, लेकिन मन में बुद्धि में वही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो फिर वो अकर्म में भी कर्म है, यानी कार्य नहीं है लेकिन फिर भी बंधन है। और अगर कोई कर्म में अकर्म, यानी बाह्य रूप से कर्म कर रहा है, जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं आपको युद्ध करना है, परंतु किसलिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, निष्काम कर्म करना है, तो बंधन में आप नहीं फंसोगे। और जब हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो कर्म की कोई भी कर्म का बंधन, कोई भी लाभ या हानि कुछ नहीं होता। और फलस्वरूप भगवान कहते हैं सब बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही है जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कार्य को देखता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है, वो कार्य करता है, वो सारे अपने कार्यों को नहीं त्यागता है, परंतु वो फिर भी बंधन में नहीं फंसता। श्री प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में दो के विषय में बताते, एक तो जो निर्गुणवादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो इस वजह से सारे कर्म करना छोड़ देते हैं कि अगर हम कार्य करेंगे तो कार्य तो क्योंकि हमें बंधन में फंसेगा और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक हो जाएगा, इसलिए वो कार्य करना ही छोड़ देते हैं और वो चले जाते जंगल में तपस्या करने, क्योंकि अब कार्य करेंगे तो बंधन में फंसेगा। लेकिन जो सगुणवादी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहते हैं कि वो भगवान के नित्य दास हैं, फिर वो जो भी कार्य करते हैं वो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं और कार्य करते हुए भी कभी भी बंधन में नहीं फंसते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से बिल्कुल रहित होते हैं और कृष्ण के प्रति नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के काम फल से मुक्त कर देता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।